सब्सक्राइब कीजिए महेंद्र जी यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बिटकॉइन के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम जरूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि बिटकॉइन से लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो आखिर बिटकॉइन है क्या, आखिर कैसे काम करता है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि आखिर बिटकॉइन है क्या। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिटकॉइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी है और ये डिसेंट्रलाइज होता है। इसका कोई भी बैंक इसका मालिक नहीं होता है। जैसे अभी जो हम लोग बैंकिंग यूज करते हैं, पैसे जो निकासी वगैरह करते हैं, इसका एक बैंक होता है, जैसे SBI बड़ौदा हो गया और ये सब का बैंक होता है RBI। ठीक है, तो अगर क्या होता है कि जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं तो इसको क्या है कि आप ट्रैक कर सकते हैं या आप इसको देख सकते हैं, बैंक आपके डिटेल को देख सकते हैं कि मतलब ये बंदा इतना पैसा निकाला है। लेकिन बिटकॉइन में क्या होता है कि ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। बिटकॉइन जो है ये एक डिजिटल करेंसी है और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। इसका विकास जो है संतोषी नाकामोतो ने किया था, ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने इसका विकास किया था। ऐसे जो बिटकॉइन का जो आविष्कार है 2008 में किया गया था, लेकिन 2009 में इसे ओपन सोर्स के लिए जारी कर दिया था। मतलब 2009 में इसे कोई भी बाई कर सकता था और कोई भी सेल कर सकता था। अभी के समय में बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है। बहुत सारे लोग बिटकॉइन कम दाम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं। ठीक है कि भारत में 2013 में बिटकॉइन को ऊपर बैन लगा दिया गया था, RBI ने बैन लगा दिए थे। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब ये बैन हट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से बिटकॉइन में से बैन को हटा दिया है। मतलब आप इंडिया में बिटकॉइन को अब बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से लीगल हो गया है। पहले जो है इलीगल करके इसको इसमें बैन लगा दिया था RBI ने, लेकिन इसको बैन हट गया है और अब आप यहाँ से बिटकॉइन जो है बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। बिटकॉइन को जो है उसे आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बैंक से जब हम पैसे निकालते हैं तो उसका पूरा डेटा बैंक के पास होता है और RBI के पास होता है। मतलब हम जितने भी ट्रांजैक्शन बैंक से करते हैं उसका डेटा बैंक के पास रहता है कि किस बंदे ने कितना पैसा निकाला। लेकिन जब आप बिटकॉइन का यूज करते हैं ट्रांजेक्शन में, तो इसको आप ट्रैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो बैंक का जो होता है ट्रांजेक्शन, ये बैंक जो करती है ट्रांजेक्शन, ये एक कंप्यूटर से लिंक होता है। लेकिन जब बिटकॉइन से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये दुनिया के हजारों कंप्यूटर में स्टोर होता है, जो कि स्टोर नहीं किया जा सकता और इसको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में एक बड़े यूट्यूबर थे, उनका जब चैनल हैक हुआ था तो हैकर जो थे बिटकॉइन का डिमांड कर रहे थे। वो बिटकॉइन का इसलिए डिमांड कर रहे थे क्योंकि बिटकॉइन को आप ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आप वो पैसे का वो डिमांड करते तो वो ट्रैक किया जा सकता था और हैकर का पता लगाया जा सकता था। लेकिन बिटकॉइन जब मांगते हैं लोग तो बिटकॉइन को ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसलिए हैकर लोग जो होते हैं बिटकॉइन का ज्यादा डिमांड करते हैं ताकि उनको कोई ट्रैक न कर सके। बिटकॉइन जो है डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। डिमांड और सप्लाई होता क्या है, जैसे आप क्या है कि आप बिटकॉइन को आप परचेज करेंगे, जितना ज्यादा परचेज करेंगे रेट उसका उतना ही बढ़ते जाएगा, और बिटकॉइन को आप सेल करेंगे तो रेट उसका घटने लगता है। आखिर बिटकॉइन से लोग इतना ज्यादा अर्निंग कैसे करते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फाइनमैन। इन्होंने क्या किया कि 11 वर्ष के उम्र में इन्होंने क्या किया कि बिटकॉइन खरीद लिया, और इनके पास उस समय पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया अपनी की दादी से $1,000 उधार लिए और अपने भाई की मदद से उन्होंने $1,000 का बिटकॉइन खरीद लिया, वो भी 2011 में 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 2013 में जब बिटकॉइन का रेट जब $1,200 हो गए तो उन्होंने बिटकॉइन को टोटल को बेच दिया, और बेचने के बाद उनको जो अमाउंट जो मिला वो 73 लाख रुपए मिले। उन्होंने जब 2011 में जब परचेज किए थे, 2011 में परचेज किए थे, उस समय डॉलर का रेट, मतलब जो बिटकॉइन का रेट था वो $12 था, मतलब 850 रुपए के लगभग आते थे। लेकिन जब उन्होंने 2013 में उसको बेचा तो वो 73 लाख रुपए हो गए, जो कि $12 हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम पैसा इन्वेस्ट करके इन्होंने 2 साल में लखपति बन गए। 73 लाख रुपए इन्होंने कमा लिए सिर्फ 2 साल में, और उन्होंने कुछ नहीं किया, बस बिटकॉइन को सिर्फ बाई करके छोड़ दिया उन्होंने 2 साल के लिए। उसके बाद वो बेचे, उसको सेल किए तो उनको 73 लाख रुपए। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप बिटकॉइन का यूज करके आप बहुत ज्यादा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो कि बिटकॉइन का यूज करते हैं, बाई और सेल करते हैं, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे साइट हैं जिससे आप बिटकॉइन को बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बाई और सेल का मतलब प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएंगे। अगर आपको कैसे बाई करना है, कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएगा तो मैं इसका आपको दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बहुत सारे ऐप है, बहुत सारे मतलब साइट है जहां से आप बिटकॉइन को बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिटकॉइन के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।